this way. Toward this way is your expressway. Okay. अब स्ट्रेट हमारा इस गोल शायद रेडी प्रोजेक्ट है मूव करके आए टी पॉइंट से आपने लेफ्ट लिया अप्रोक्सीमेटली यहाँ यहाँ कहीं पे आपने पार्किंग करी होगी ठीक है ये हमारा करंट साइट ऑफिस है ओके फाइन बिल्कुल कॉर्नर में 45 मीटर रोड 30 मीटर रोड और 20 मीटर रोड दिस इज अ थ्री साइड ओपन प्लॉट ओके अगर थोड़ा थोड़ा साथ में लिखता भी चलूँ मैं सो दिस ऑल टुगेदर इज 11.3 एकर्स 11.3 देयर आर 11 टावर्स हियर 970 अपार्टमेंट्स 970 अपार्टमेंट्स ओके ओके इनिशियली हमने से 6 ही टावर ओपन करे थे जिसमें हम सेल्स कर रहे थे अभी हमने 7th टावर ओपन करा है टावर नंबर 10 ओके तो जिस तरीके से विंग्स में डेवलपमेंट है ये छोटे साइजेस का विंग है 2 बेडरूम ओके 3 बेडरूम अच्छा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट स्टेटस पे है इक्का दुक्का थोड़ी सी अवेलेबिलिटी टॉप फ्लोर्स के अराउंड आपको मिलेगी देन दिस विंग इज 3 बेडरूम ओके दिस इज 3 प्लस सर्वेंट And then there are bigger sizes, the 4 bedroom. अच्छा, अच्छा, अच्छा. As of now, हमने जो towers release करे थे, tower 1, tower 2, tower 3, tower number 4, tower 9 और 11. Okay. Almost 90-95% sold out status पर. बड़े sizes में कुछ availability मिलती है. 2 bedroom, 1085 square feet. This is 1750 square feet. Okay. 3 BHK. This is 2190 square feet. Okay. 3 BHK plus sub. Achha. Sub. जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट में सेंट्रल ओपन लैंडस्केप हमारा गार्डन में सेंट्रल में पूरी ग्रीनरी है पूरा 5.5 एकर्स में ओके इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये 3 एकर्स में हमने एक पूरा एक्टिविटी एरिया डेवलप करेंगे 51 स्पोर्ट फुट जोन 51 और फुटबॉल हो गया क्रिकेट हो गया यहाँ आपका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जिट भी है हमने एक्टिविटी एरिया थोड़ा सेग्रीगेटेड रखा है ताकि इंटरनल रेजिडेंस को कम से कम डिस्टर्बेंस रहे ठीक है क्लब हाउस के साथ इंटीग्रेटेड देयर आर 4 स्विमिंग पूल्स -1 में और वेदर या क्लाइमेट कंट्रोल बोले वेव पूल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल एंड किड्स पूल बास्केटबॉल बैडमिंटन लॉन टेनिस अब जो हमने पिछले साल सितंबर में जिसमें सेल्स करा दिस इज वन ऑफ यू नो हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ एनसीआर ओके वी रिकॉर्डेड यू नो 500 सेल्स इन 100 डेज लास्ट ईयर 18 में 18 क्लोज जब हो रहा था लास्ट ईयर सितंबर में जिसका कैंपेन शुरू हुआ था बाय द ईयर एंड वी वर लाइक 500 प्लस बुकिंग्स इन दिस प्रोजेक्ट ओके ग्रेट तो ऑल टुगेदर सारे प्रॉपर्टीज मतलब टावर्स ओपन थे सोल्ड आउट है सोल्ड आउट हो चुके हैं अच्छा कौन सा नया टावर कहाँ पे डाला है आपने अब बिल्ट एंड सेल मॉडल पर हमारी कंपनी काम कर रही है बना के बेचने में ज्यादा मतलब हमारा बिलीफ है ठीक है बहुत सारे स्मॉलर प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने 5 टावर में 3 ही बेचे थे ओके कंप्लीट होने के बाद ओपन करें ओके तो अब टावर मतलब कंस्ट्रक्शन की बात करें टावर 10 अच्छा यहाँ पे नया लॉन्च हुआ है इसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी है स्ट्रक्चर रेडी है माइवन शटरिंग से कंस्ट्रक्शन हो रही है ओके मेरे ख्याल से कोई प्रेस्टीज या समथिंग उसकी भी इन्वेस्टमेंट कुछ है प्रेस्टीज ग्रुप बेस्ड यू नो बेंगलुरु दे हैव डन मोर देन 500 प्लस प्रोजेक्ट्स इन बेंगलुरु यस सो वी हैव एक्चुअली केम अप विद अ जॉइंट वेंचर विद देम हमारे यहाँ इस सेक्टर में वी हैव यू नो few more plots okay, okay another one plot is coming up with prestige convention mein okay that's great to abhi jo hamara pura chal raha hai tower number 10 ka 1750 square feet 1750 square three bedroom theek hai one imperial tower ki tarah se iska pura branding marketing kar rahe hain acha specifications humne upgrade kar diye standard apartment jo abhi tak humne sell out kare wo raw finishing mein tha acha isme tile marble modular kitchen कैबिनेट्स मॉल आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर्स एंड बेडरूम्स तो स्पेसिफिकेशन इसमें अपग्रेड कर दिया अपग्रेड किया ओके फाइन और कुछ ऐड करना चाहेंगे बाकी इसकी प्राइसिंग है अगर प्राइसिंग पे बात करें तो ठीक बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं एक ही है ना वहाँ पे हाँ जी ओके फाइन हाँ प्राइसिंग थोड़ा सा बता ही दीजिए मतलब अगर इसके कॉस्ट शीट्स अगर हम बात करके चले तो 1750 स्क्वायर फीट इसका बेसिक सेल्स कंसीडरेशन 5099 पर स्क्वायर फीट है ओके ओके अच्छा अच्छा टोटल 89 23 250 5099 की कैलकुलेशन है ओके इसमें कुछ ओवरहेड्स जैसे कि क्लब मेंबरशिप 2.5 लाख
पार्किंग 3.5 पोजेशन पे मैंडेटरी अथॉरिटी एक्सपेंसेस लीज रेंट आईएफएमएस ड्यूअल मीटर इट अमाउंट्स टू 261 मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये कोई 95 1 के रेंज 7-8 के एक साथ बैठता है फाइन प्लस इसमें जीएसटी है जीएसटी व्हिच इज एट 5% मतलब 1-10-15 की रेंज में आ जाएगा कुछ फाइन 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 पेमेंट प्लान स्ट्रक्चर रेडी बिल्डिंग है ये इसमें 35-15-50 मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ 50-50 पेमेंट प्लान 50-50 और इनिशियल 50 भी 35-15 में एक साल में स्प्लिट अप है ओके इनिशियल बुकिंग स्टेज पे 10% अमाउंट 75 डेज में 10% महीने में 25 फिनिशिंग जो मतलब इस स्टेज से अप्रोक्सीमेटली 9 महीने बाद अभी से 1 साल मान के चले रिमेनिंग 15% एंड रिमेनिंग 50 एट द टाइम ऑफ पोजेशन ओके ओके दैट्स ग्रेट ठीक है वेरी नाइस हाय दिस इज वेलकम टू एस पार्कवे सेक्टर 150 नोएडा सो यू कैन सी एस पार्कवे This is the road connecting from the metro station, sector 148, Noida metro station, that is of the Aqua line, Noida metro line. This is the line going on. And yeah, this is the nothing of the S Parkway, you can see. Yes, Parkway. This is a good builder and वो अच्छी construction quality काफी अच्छा है इनका and they are doing a good job. Structure ready, apartments. और देखिए You can see the S Parkway. This is the thing. ये आपकी main है सामने आपकी सेठी का project है और इस तरफ S का Can very well see the boardings, hoardings going on. Yes, Parkway Builder. Is Parkway you can see is Parkway aap dekh sakte hain is pavilion ke liye ye building ready hai already ye road ja rahi hai peripheral road sector 150 mein is ka ye hai ki ye hamesha ready to move property banate hain structure ready property अब देख सकते हैं सारी एस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है अब देखें जहां तक आपकी नजर हो रही है पार्कवे के हिसाब से स्ट्रक्चर रेडी प्रॉपर्टी जैसे टावर 10 ये रेडी हो रही है टावर 10 की बुकिंग खुली हुई है अभी इस पार्कवे में
इस काफ़ी अच्छी बिल्डर है, इनकी ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, और इन्होंने जैसे प्रेस्टीज ग्रुप बेंगलोर के साथ भी टाई अप कर रखे हैं फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और देखें ये वाली रोड है, डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है यहाँ आपकी टुवर्ड्स जो अमन की तरफ रोड जाएगी, ये वाली रोड जेपी अमन जो सेक्टर 151 नोएडा इस तरफ। इस बिल्डर्स रिसेंट ईयर्स में इन्होंने जैसे गोल्फ शायर है, ये इनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, तो यू कैन ऑलवेज बिलीव ऑन देम। यहाँ पे काफी ओपन प्लेसेस हैं, बिल्कुल ये देखिए कंस्ट्रक्शन काफी जोरों शोरों से चल रही है बाकी प्रोजेक्ट्स का भी। इनकी बाउंड्री वॉल ये रही, ये इसका ये देखिए इसका। टावर 10 इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली। फ्लोर वाइज इन्होंने डीमार्केट भी किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ अप टू 12th फ्लोर तक इनकी मार्किंग्स भी है। दिस इज द रोड, यहाँ से आपको लेफ्ट लेके राइट जाएंगे तो स्ट्रेट सेक्टर 148 नोएडा मेट्रो स्टेशन आएगा। देखें इसका कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल, काफी मजा आएगा आपको, काफी अच्छी बनाई रखी है। कोई भी आपकी अगर आना है तो एक बार आके जरूर देख लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह। ये आपको मेन रोड है, और ये देखिए इनकी बोर्ड लगी हुई है यहाँ पे।